राम राम भाइयों, मारे द्वारा एक कमेंट और आया था जो कि भाई साहब का नाम है सोनू चौहान। भाई साहब ने बहुत बढ़िया सवाल कराया है जो कि भाई साहब हम बेसन की बूंदी बनाने लाग रहे हैं। वे बेसन की बूंदी लंबी आवा है गोल को न्यान दी। इसे डाले थम भी भाई देखने लाग रहे हो, थम भी अपने भाई को मन में सवाल है तो उसने करके पूछ सको भाई थारा मन में के सवाल है, किस विषय में पूछने लाग रहे हो थम। मैं अगली वीडियो में के रहा भाई थारी भी कॉमेंट की रिप्लाई कर दी, हर कमेंट की रिप्लाई दी जा है। तो भाई साहब का सवाल बढ़िया है कि भाई कई बार बेसन में भी दिक्कत आ जाए है, बेसन देखना है अपन है मोटा है या बारीक है। हम बूंदी ने मोटा बेसन में बनाया करा। और दूसरी बात ये है भाई, 1 किलो बेसन होगा हमारे द्वारा, 1 किलो बेसन में 200 ग्राम मैदा मिलाया करा। मैदा अपना भाई मैदा मिलाते हो गए हम भी, तो मैदा ज्यादा मिला लेवांगे तो उससे भी थोड़ी लंबी बूंदी आने का चांस हो गया है। के भाई अगर मादा ज्यादा मिला ले हाँ, कई बारी 200 की बजाय 250 300 मिला सका, कई बार मोटा बेसन ज्यादा हो तो यह दिक्कत है भाई। ठीक है, फिर की देखना है भाई, दोनों अगर कमी था मैंने पूरी कर ली है, बेसन भी ठीक से मोटा है तो 200 ग्राम मादा यूज कर ली है, तो उसके अलावा ज्यादा मादा गेड़ दिए ना तो मादा ने सही एडजस्ट करके 200 ग्राम के हिसाब से बनाकर देख लियो भाई। तीसरी बात की है, इसमें मसाला यूज कराया करा आप, जो बेकिंग पाउडर हो है बेकिंग पाउडर गेड़ना है, जो कि 1 किलो बेसन के भीतर आप 1 चम्मच लगभग औसत मान का चाल, जो घराली जो घरेलू छोटी चम्मच हो है या फिर आमतौर पर आ जाए भाई जो आप 10 ग्राम बेकिंग इसके भीतर यूज करेंगे, बेकिंग यूज करना है। इससे गोलाई आने का भाई पूरा पूरा आकार से भाई बूंदी की गोलाई या देव है, बेकिंग पाउडर फुलाने का काम छोटा करा है। बूंदी फूल दी कोने तो सोडा नहीं यूज कर लेवांगा, और जब भाई लंबी लंबी आवा है तो बेकिंग पाउडर नहीं यूज करांगा। ये तीनों सिगरेट थे भाई खास मना थारे तो बताई से, और ज्यादा मत्थी मत्थी नहीं मारनी भाई, अगर थोड़ा मोटा है तो एक बार थोड़ी मत्थी मार के एक बार यूज कर लियो भाई, उसने कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ ही, तब तक राम राम भाई, जय हिंद।